तो जी आज सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि यार आप अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करते हैं, तो ये आप लोगों के सामने आज ही मैंने कि बिल्कुल फ्रेश जो अकाउंट है वो मेरे सामने ओपन है और इसके ऊपर जो मैंने ट्रिक इंप्लीमेंट की है वो आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन पहले जो इसका रिजल्ट है वो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए। पहली बात जो जो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ वो आप नोट करते रहिए ताकि आपको बाद में ये फिर आप ना कहें कि यार ये एडिटिंग हुई है या कुछ इस तरह का कोई इशू वगैरह। हर चीज़ आप लोगों को लाइव करके दिखा रहा हूँ। आप ऊपर देखेंगे तो 1.36 हज़ार आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, नीचे भी आपको यहाँ पर ही शो कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर चेक कीजिए कि स्टार्ट डेट 15 तारीख से लेकर अब तक की यहां पर अर्निंग है वो टोटल हमें यहां पर ये दिखा रहा। लेकिन आप सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए जो डोमेन वगैरह मैंने इसके अंदर किसी भी तरह कोई भी मेरी वेबसाइट है वो यहाँ पर ऐड वगैरह नहीं है, ठीक है। ये भी आप लोग चेक कर लीजिए। हर एक जो चीज़ है वो आप लोग लाइव दिखा रहा हूँ और हर एक वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने डायरेक्ट लिंक के ऊपर ही काम करना। जितने भी आप लोग मेरी वीडियो पहले देख चुके हैं उन सबके ऊपर मैंने आपको कहा कि आप लोगों को डायरेक्ट लिंक के ऊपर ही काम करना। अब यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर दिखाता हूँ अभी देखिए, ठीक है। मैं किसी भी तरह कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये कि जो पहले तो होता मैं अनवांटेड जो पार्ट्स है जिसके अंदर मैं खामोश रहता था वो भी मैं यहाँ पर से कट आउट कर देता था, लेकिन अब मैं वो वही कटआउट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए कि तकरीबन स्टार्ट डेट जो है वो यहाँ पर 15 तारीख है, ठीक है, और उसके बाद एंड डेट और फिनिश डेट है वो 19 तारीख है। अभी मैं यस्टरडे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप चेक कीजिए किसी भी तरह कोई भी डाटा वगैरह हमें शो नहीं करवा रहा। और अगर मैं पेज को एक बार रिफ्रेश भी करता हूँ अभी यहाँ पर नेट भी स्लो है तो मैं अगेन भी आपके सामने किसी भी तरह कोई क्रॉप वगैरह भी नहीं करूँगा, जहाँ पर मेरा कर्सर खड़ा वहीं का वहीं खड़ा रहेगा ये, ठीक है। अभी आप लोग चेक कीजिए कि तकरीबन 136 हज़ार यहाँ पर भी शो कर रहा है और यहाँ पर 15 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का डाटा शो कर रहा है। अगर इंप्रेशन और क्लिक्स दिखाऊंगा अब आपको इनके 4 या 5 दिनों तो आप लोग यहां पर देखिए इंप्रेशन जस्ट 10 इंप्रेशन आए हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो मुझे सीपीसी रेट मिला वो सीपीएम रेट मिला वो आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं, $136 मिला। और उसके बाद जो रेवेन्यू अब 1.36 का मुझे निकल रेवेन्यू वो मुझे मिल चुका है। अगर मैं यहां पर डोमेन के ऊपर डायरेक्ट लिंक सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर से जो स्टार्ट डेट है वो भी मैं 19 तारीख कर लेता हूं ताकि मैं आपको आज ही का दिखाऊं, ठीक है। अप्लाई पे के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूं तो यहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक भी वही है, स्टार्ट डेट भी वही है, फिनिश डेट भी वही है और उसके बाद इंप्रेशन वो भी यही वही है। मतलब ये आज के दिन का जो मेरे पास जो है ना सारे का सारा जो डाटा वो यहाँ पर ही मुझे शो कर रहा है, ठीक है। जितनी अर्निंग हुई वो आज ही के दिन, वो जितनी इंप्रेशन है वो आज ही के दिन के आए। अगर आपको जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मैं आप लोगों के थंबनेल पर से देखा अगर आपके पास एक क्लिक आ जाता है तो देन फिर आपके 300 इंप्रेशन आते हैं, ठीक है। अभी तक वो 300 इंप्रेशन आए भी नहीं, जैसे जब वो 300 इंप्रेशन आएंगे जो कि आपको मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो तब आप लोग देखिए कितना इनके आप लोगों को यहाँ पर से फायदा होगा। तो अगर आपको एक बार फिर से इनके प्रूफ चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर आपके सामने एक बार अगेन यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो किसी भी तरह कोई एडिटिंग वगैरह नहीं, ये भाई ये मेरे हाथ है और ये आप लोगों के सामने पेज खुला हुआ और आप लोगों सामने ही यहां पर से मैं इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूं, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर डेट चेक कर से 15 तारीख से लेकर 19 तारीख का, अगर मैं इसको अगेन 19 तारीख कर देता हूं और यहां पर से अप्लाई के ऊपर क्लिक भी कर देता हूं तो फिर भी आप लोग देख लीजिए 1.6 का 36 का आप लोगों को यहां पर से रेव्यू नजर आएगा और ये सिर्फ आज ही के दिन का है। और आप लोग कहते हैं कि यार $1 भी नहीं बनता भैया, यहां पर से बहुत सारे डॉलर बनते हैं। आप लोगों अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए, चैनल के ऊपर जाकर आपको हर तरह की जो इंफॉर्मेशन वाली वीडियो चाहे वो फेसबुक के ऊपर किस तरीके से लेकर आए, ट्रैफिक यूट्यूब फेसबुक की स्टोरी से, YouTube से, WhatsApp से, Instagram के ऊपर, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडियन जो ड्रामाज होते हैं उनके ऊपर आप लोग किस तरीके से काम करना है एड्स तेरा के ऊपर, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज किस वीडियो के आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से जस्ट एक बार आपकी वेबसाइट के ऊपर वो बंदा आएगा और उसके बाद आपकी जो वेबसाइट के ऊपर एड्स के ऊपर जो इंप्रेशन होंगे वो तकरीबन 300 इंप्रेशन शो होंगे और वो भी डायरेक्ट लिंक है। किसी भी तरह का आप, मैं ये नहीं कहता कि आपने बैनर एड्स लगानी है या फिर इंटरसेशियल एड या जितने भी दूसरे एड्स हैं पॉपअप एड्स वगैरह वो लगाने, किसी भी तरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। आपने अपनी जो डोमेन है वो भी रजिस्टर नहीं करनी है, इसके अंदर कुछ भी आप नहीं करना, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर से अपनी एक वेबसाइट के ऊपर ले जाकर दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए। ये मैंने आज आपके सामने एक जो ब्लॉग क्रिएट कर लगा अगेन कर तो आप लोगों के सामने ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपने ये कहेंगे कि यार इस ब्लॉग को भी अप्रूव करवाना या नहीं, नहीं भाई इस ब्लॉग को अप्रूव नहीं करवाना। यहाँ पर मैं आपको डमी डेटा के तौर पे आज ही के दिन की जो डेट है वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 19 जनवरी, ठीक है। अगेन मैं नेक्स्ट के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और जहाँ पर जो एड्रेस है वो भी मैं यहाँ पर 19 जनवरी का ही देता हूँ, ठीक है, 19 जनवरी 2023, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पर ये वाला दिया एड्रेस, ये मे भी अवेलेबल, हाँ ठीक है, ये अवेलेबल है। सेव के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप हमारी जो मेन जो ट्रिक है वो सारी सारी इस कोड के ऊपर है, ठीक है। ये इतना सा कोड है, ये दो कोड है, इन्हीं के ऊपर हमारी सारी सारी जो ट्रिक है वो वर्क करती है। याद रखिए ये जितनी भी मैंने आप लोगों को पहली वीडियो बताई मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं कि जितनी भी मैंने यहाँ पर ये वाली वीडियो अपलोड किए हैं कि आप लोगों ने स्टोरेज यूट्यूब की
चोरी से लेकर किस तरीके से ट्रैफिक लेकर आनी, कोरा से पैसिव इनकम हो गई है, ठीक है, व्हाट्सअप से और फेसबुक से, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से, यूट्यूब से किस तरह से आपने ऐड्स तरह के टकलिंग के ऊपर ट्रैफिक लेकर आनी, ये सब की सब 100% जो है वो सिक्योर हैं, ठीक है। लेकिन जो आज की आपको मैं वीडियो बताया, वीडियो के अंदर जो ट्रिक बताने वाला हूँ ना, वो आप लोगों की इनवैलिड क्लिक्स के अंदर जाती है, सेल्फ क्लिकिंग के अंदर जाती है। तो ये वाली जो ट्रिक वो आपने इंप्लीमेंट अपने हमेशा अपने न्यू अकाउंट के ऊपर करनी है। एड्स तेरा जो आप लोग किसी भी तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, आप एक आईपी के ऊपर तकरीबन 1,00,000 अकाउंट ओपन करने, इस तरह कोई भी इसकी कंडीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये जो काम करना है वो आप लोगों ने अपनी जो एक कहते हैं न्यू अकाउंट उसके ऊपर करना है, और किसी भी तरह का अप्रूवल वगैरह किसी डोमेन से नहीं लेना, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने वैसे वैसा ही करना है बस, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने हमारा जो ब्लॉग क्रिएट हो चुका है, सबसे जो पहले काम आप लोगों ने करना है यहाँ पर से जो एक न्यू पोस्ट आप लोगों ने यहाँ पर से क्रिएट करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने आपके सामने न्यू ब्लॉग के ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने किसी ऐसे ब्लॉग के ऊपर करना, जैसे कि मैंने आपको मूवीज़ वाली कहानी बताई थी ना, वो मूवीज़ वाली स्टोरी वाली, ठीक है, कि मूवीज़ से आप लोग किस तरीके से ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यूट्यूब वाले वाली वीडियो के अंदर था वो ट्रिक, अपने हाथ ही इंप्लीमेंट इसके अंदर करनी है। आप लोगों ने एक वेबसाइट बनानी है, जस्ट आपकी एक जो पोस्ट है वो थोड़ी सी भी रैंक हो गई ना, तो आप लोग देखिए नेक्स्ट आगे उसका जो फायदा वो आपको किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल जो मेरे सामने अभी जो मैं पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये मेन पोस्ट है आपकी, याद रखिए ये वाली जो पोस्ट है वो मेन पोस्ट है आपकी। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर से सर्च करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैगन फुल मूवी, ठीक है, मैगन फुल मूवी डाउनलोड, तो यहाँ पर से मैंने ये वाली एक वेबसाइट की है यहाँ पर से ओपन, और यहाँ पर से ये वाली वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ, 3-4 वेबसाइट ओपन कर लूँ ताकि मुझे आर्टिकल का जो कंटेंट वगैरह वो थोड़ा मुझे मिल जाए, ठीक है। अभी यहाँ पर से ये वाली है, तो इसको मैं कुछ भी डमी डाटा के तौर पर मैं कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, उसके बाद कंपोज व्यू पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद नीचे इसने कुछ भी लिखा हुआ है या नहीं, उसके बाद नीचे ये चीज़ लिखी हुई, इसको मैं यहाँ पर सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, और देन यहाँ पर लास्ट के ऊपर जाकर मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव करके यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ये हमारा एक किस्म का जो है ना टाइटल वगैरह वो यहाँ पर हमारा आ चुका है, ठीक है। इसके बाद ये कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पर लगा दिया अपने टाइटल के अंदर जाकर, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बिलीव मी किसी भी तरह कोई अब आपको रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं के कुछ फ्लैशी टेक्स्ट वगैरह नहीं आ रहे होंगे, इसकी रीज़न ये है कि आप लोगों का जो पूरा जो कॉन्सेंट्रेट है वो आप लोग इसके ऊपर करें, ठीक है, इस ट्रिक के ऊपर करें। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आर्टिकल वगैरह लिख लिया जो मेन ट्रिक है, तो वो यहाँ पर से स्टार्ट होगी, ठीक है। वो यहाँ पर से ये सिंपली यहाँ पर क्लिक करना और HTML व्यू के ऊपर चला जाना, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर से एंटर किया और स्टार्ट के ऊपर जाकर आप लोगों ने HTML व्यू के ऊपर चला जाना यहाँ पर से, ठीक है। और अगेन यहाँ पर से जाना नीचे आपने लास्ट के ऊपर यहाँ पर एंटर करना और स्टार्ट के अंदर जाकर ये वाला आपको जो कोड है, जो पहले वाला जो कोड होगा, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पर से वो वाला जो कोड है वो आप लोगों ने यहाँ पर से देना है। ये वाला जो कोड होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ले जाकर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिएगा कि वो कह रहा है विंडो ओपन डॉट कुछ इस तरीके blogspot.com और ये वाला एक वेबसाइट का जो URL इसके अंदर मैंने दिया हुआ है, इस जगह पर आप लोगों ने अपना URL देना, ठीक है। ये यहाँ तक जो है इसका जो आप लोगों ने अपना URL देना, मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पर मे भी अभी थोड़ा सा अच्छे तरीके से नज़र ना आ रहा हो, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आप लोगों ने अपना जो URL है वो यहाँ पर से देना, जो आप लोगों की वेबसाइट का या पोस्ट का दूसरा लिंक, ठीक है, वो आप लोग लिंक देना। वो लिंक का कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं, ठीक है। उसके लिए आप लोग यहां पर जो नीचे वाला ये वाला लिंक है इसको यहां पर से कॉपी करना है, ठीक है। और अभी आप लोग इसको ड्राफ्ट के अंदर ही रहने देना, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है और देन यहां पर जाने के बाद आप लोगों ने वो वाला जो लिंक है उसको पेस्ट कर देना नीचे, ठीक है। अब इस फ्रेम के अंदर जाकर आपने यहां पर जो यूअर लिंक हेयर लिखा हुआ है ना, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, यूअर लिंक यूर एड्स तेरा, मैं यहाँ पर से कहता हूँ यूर एड्स तेरा लिंक, ठीक है, ताकि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आए, यूर एड्स तेरा लिंक है। अभी यहाँ पर से जो आपका एड्स तेरा का जो डायरेक्ट लिंक होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर से कॉपी करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिंक के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखिएगा कि जो डायरेक्ट लिंक है हमारा उसको मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला डायरेक्ट लिंक मैंने कॉपी किया इसको, और देन यहाँ पर से मैं जाता हूँ अपने इसके ऊपर, और यहाँ पर जाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर से रिमूव कर दिया। जो मेन ट्रिक है वो यहाँ पर देखिए, अभी आप लोगों के क्या होश ही उड़ जाएंगे जबकि मैंने ट्रिक लगाई है इसके अंदर, ठीक है। ट्रिक यहाँ पर मैंने टाइप कर देता हूँ कि डायरेक्ट लिंक पोस्ट, ठीक है, डायरेक्ट लिंक पोस्ट में यहाँ पर से इसका नाम मैंने ये दे दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं पब्लिश के बटन पर इसको क्लिक कर दिया, कन्फर्म के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर से इस पोस्ट को अगेन मैं व्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए ये खाना बन गया। इसके अंदर अब आप लोगों का जो डायरेक्ट लिंक होगा जो कि हम लोगों ने यहाँ पर दिया इसका ये वाला जो डायरेक्ट लिंक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से वो वाला इसके अंदर ओपन हो जाएगा आपका जो डायरेक्ट लिंक होगा। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना, इसी चीज़ को एक को आपको कॉपी करना और पेस्ट करते जाना नीचे से, तकरीबन आप लोगों ने 50-60 बार इसको पेस्ट कर देना इसी तरीके से, ठीक है। अगेन आप लोगों ने यहाँ पर अपडेट के बटन पर क्लिक कर देना, इस तरीके से पेस्ट करने के बाद अगेन आप लोगों ने जो मेन ट्रिक है वो यहाँ पर ये वाली जो
आपके पोस्ट का यूआरएल है ना, इस पोस्ट को आप लोगों ने यहाँ पर से कॉपी कर लेना, ठीक है। अगेन आप लोग जो मेन पोस्ट होगी आप लोगों ने इसके अंदर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद जो आप लोगों ने यहाँ पर जो विंडोज ओपन वाला जो लिंक दिया गया है ना, इस लिंक को आप लोगों ने यहाँ पर से रिमूव करके अपनी उस पोस्ट का यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देना है जिस पोस्ट के ऊपर आप लोगों ने जो वेब ब्राउजर बनाए हुए हैं, यानी कि वेब विंडोज बनाई हुई हैं, ठीक है। मतलब ये वाला जो आप हो रहा है, ठीक है, इसका आप लोगों ने यहाँ पर लिंक दे देना। अगेन पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना, कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना। अब आपकी जो मेन पोस्ट है वो यहाँ पर से ये वाली है, मैगन फुल मूवी वाली। अब यहाँ पर से आप जो ट्रैफिक है वो चाहे मेरी वो वाली वीडियो देख कर ले आए, यूट्यूब स्टोरी वाली देख कर ले आए, या फिर वो आप चैट जीपीटी कोरा वाली देख कर ले आए, या फिर आप लोग एड्स तेरे के जो मैंने आप लोगों को बताई थी बिल्कुल फ्री वाली ट्रिक उसके अंदर मदद से ले आए, व्हाट्सअप वाली ट्रिक से ले आए, या फेसबुक वाली ट्रिक से ले आए, या फिर यूट्यूब वाली ट्रिक से ले आए। आप लोगों ने जो मेन जो आप लोगों ने टारगेट करनी है वो आप लोगों ने इस पोस्ट के ऊपर अपने जो डायरेक्ट लिंक है वो लेकर आनी है अपनी पोस्ट, ठीक है। ये जो आपका मैगन फुल मूवी वाली है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने ट्रैफिक लेकर आनी है। अब होगा क्या कि जैसे भी कोई भी बंदा इस पोस्ट के ऊपर आएगा, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर्च कर न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मेन पोस्ट हमारी मैगन वाली थी, अब होगा क्या वो ऑटोमेटिक डायरेक्ट लिंक वाली पोस्ट के ऊपर आ जाएगा जहाँ पर आप लोगों के जो मुख्तलिफ 50-60 ब्राउजर के अंदर आपके वो खुले हुए हैं, डायरेक्ट लिंक लगे हुए हैं। होगा क्या कि मैं आपको अगेन आपको बताता हूं, यहां पर से मैं सबको मैं यहां पर से कट आउट कर देता हूं। हमारी मेन ये वाली पोस्ट है, जैसे भी कोई भी बंदा इसके ऊपर आता हूं, मैं अगेन पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूं। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं आप लोग देखेंगे एक नए टैब के अंदर यहां पर से हमें वो ले जाता है एक नई वेबसाइट के ऊपर। उस वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने अपने 50-60 अगेन वेब ब्राउजर लगाकर हम लोगों ने उसके अंदर पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे कोई भी बंदा हमारे इस पोस्ट के ऊपर आएगा, चाहे वो यूट्यूब से आए, फेसबुक से आए, व्हाट्सएप से आए, इंस्टाग्राम से आए, ट्विटर से आए, कोरा से आए, किसी भी प्लेटफॉर्म से आए हमारे इस पोस्ट के ऊपर, जैसे वो इसके ऊपर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट लिंक के ऊपर इसके ऊपर कर चला जाएगा। अब वो एक क्लिक के ऊपर आपके 50-60 जो है ना वो ब्राउजर खुलकर आ जाएंगे, 50-60 आप लोगों के जो डायरेक्ट लिंक के ऊपर इंप्रेशन और क्लिक्स आ जाएंगे, जिससे आप लोगों को कुछ इस तरीके की जो इनकम होगी वो आप लोग यहां पर से जनरेट कर पाएंगे। तो आई होप से आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। सारी वीडियो को थोड़ा सा समराइज करूं वो ये है कि सारी सारी जो चीज डिपेंड करती है इन्हीं कोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोगों ने एक नई डमी पोस्ट के ऊपर जाकर अपना जो डायरेक्ट लिंक 50-60 वो वेब ब्राउजर विंडोज वगैरह क्रिएट कर लेनी है, और उसका जो लिंक उस पोस्ट का वो इसके अंदर दे देना, और ये वाला जो लिंक है वो आप लोगों ने अपनी वायरल पोस्ट के अंदर देना जिसके ऊपर आप लोगों ने ट्रैफिक लेकर आना। जैसे लाइक मैं मैगन फुल मूवी का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कोई बंदा इसके ऊपर आता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे नए पेस्ट के ऊपर चला जाता है। तो आई होप सो आपको सारी चीज समझ में आ गई किस तरीके से आप लोगों ने इस ट्रिक के ऊपर वर्क करना। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया हुआ है।